एक शोहर ने पहली मुलाकात में अपनी बीवी को यह नसीहतें की कि इन चार बातों का ख्याल रखना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि YouTube चैनल मोहसिन इस्लाम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको वीडियो बर वक्त मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने आपको बीवी के तौर पर पसंद किया। अगर आप मुझे अच्छी ना लगती तो निकाह के जरिए मैं आपको घर ही ना लाता। आपको बीवी बनाकर घर लाना इस बात का सबूत है कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना, छोटी मोटी कोताहियों को नज़रअंदाज कर देना, मुझे ढोल की तरह न बजाना। बीवी ने पूछा, क्या मतलब? शोहर ने कहा, अगर मैं गुस्से में हूँ तो मेरे सामने उस वक्त जवाब न देना। मर्द जब गुस्से में कुछ कह रहा हो और औरत आगे से जवाब दे रही हो तो ये नहायत खतरनाक चीज़ है। अगर मर्द गुस्से में हो औरत नज़रअंदाज कर जाए, और अगर औरत गुस्से में हो तो मर्द नज़रअंदाज कर जाए, दोनों तरफ से एक वक्त में गुस्सा करना इस तरह है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचने वाली बात। एक तरफ से रस्सी को खींचे और दूसरी तरफ से ढीला छोड़ दे तो रस्सी नहीं टूटेगी, और अगर दोनों तरफ से खींचे तो वो टूट जाएगी। तीसरी बात क्या है? यह है कि देखना मुझसे राज की हर बात करना, मगर लोगों के शिकवे और शिकायत ना करना, क्योंकि अक्सर मियाँ बीवी आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजार लेते हैं, मगर नंद की बातें, सास की बातें, फला की बातें ये ज़िंदगी के अंदर जहर खोल देती हैं। इसलिए शिकवे शिकायतों से दूर रहना। आखिरी बात, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या नफरत। एक वक्त में दोनों चीज़ें दिल में नहीं रह सकती। अगर खिलाफ उसूल मेरी कोई बात बुरी लगे तो दिल में न रखना। मुझसे जायज तरीके से बात करना, क्योंकि बातें दिल में रखने से इंसान शैतान के वसवसों का शिकार होकर दिल में नफरत घोलता है और ताल्लुकात ख़राब होकर ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। दोस्तों, ये थी चार अहम नसीहतें जो एक शोहर ने अपनी बीवी को की हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।